हाँ जी, ये है MG की नई क्लॉस्टर SUV। ये बहुत ही बड़ी और लग्जूरियस SUV है। इनफैक्ट ये फुल साइज SUV है, डबल XL साइज SUV आप इसे कह सकते हैं। और अगर आपने कोई मूवी देखी हो हॉलीवुड की, बॉलीवुड की नहीं, हॉलीवुड की मूवीज़ में आमतौर पर ऐसी बड़ी बड़ी SUVs में हमेशा दिखाते हैं कि प्रेजिडेंट के पीछे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो चल रहे हैं, या फिर बड़े जो गुंडे मवाली होते हैं वो निकल रहे हैं ऐसी बड़ी SUVs से और डराते हैं अपने राइवल्स को या दुश्मनों को। तो उस लिहाज से काफ़ी इम्पोजिंग SUV है, देखने में रोड प्रेजेंस के मामले में बेहतरीन है। इनफैक्ट इतनी बड़ी है कि इसके सामने फोर्ड एंडेवर और टोयोटा फॉर्च्यूनर दोनों ही मिड साइज SUV लगेंगे आपको, इतना बड़ा इसका डायमेंशन है बाहर से और इतनी ज़्यादा बड़ी रोड प्रेजेंस के मामले में। लेकिन वही बात इसकी खास नहीं है कि साइज़ बड़ा है, साइज़ के अलावा इसके अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल डीजल इंजन आता है, 218 BHP का ट्विन टर्बो इंजन है। और साथ ही साथ इंटीरियर्स में भी काफ़ी सारे फीचर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट लगा के दे रखा है MG ने। तो लुक्स के मामले में, फीचर्स के मामले में और परफॉर्मेंस और पावर के मामले में बढ़िया होने ही वाली है। तो वो सब चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आपको इस गाड़ी के चारों तरफ एक बारी वॉक अराउंड करके दिखाते हैं और दिखाते हैं व्हाट मेक्स द ग्लॉस्टर सच अ स्पेशल फुल साइज SUV इन इंडियन मार्केट। और थोड़ा बहुत अगर आपको शोर शराबा आ रहा हो पीछे से तो उसके लिए मैं माफ़ करना, क्योंकि शोरूम के अंदर भी शूट कर रहे हैं, बाहर चिलचिलाती हुई धूप है। तो मैंने सोचा आज कुछ आपको अलग करके दिखाते हैं और शोरूम के अंदर भी शूट करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें अपने कैमरामैन पे भी तरस खा लेना चाहिए। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द MG ग्लॉस्टर रिव्यू नाउ। आप लेना चाहते हैं कोई भी स्पेयर पार्ट अपनी गाड़ी के लिए तो आपको चेकआउट करने चाहिए budmo.com। आप इनकी वेबसाइट के साथ साथ इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, iOS और Android डिवाइसेस दोनों के लिए मौजूद है। और सबसे अच्छी बात Budmo की ये है कि आपको ये सेम स्पेयर पार्ट का ऑप्शन दे देते हैं डिफरेंट कॉम्पोनेंट मेकर से। यानी कि अगर आपको अपनी गाड़ी के लिए फॉर एग्जाम्पल चाहिए फ्रंट ब्रेक पैड्स, तो अलग अलग कॉम्पोनेंट मेकर्स के आपको ऑप्शन दे देते हैं। यानी कि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है चॉइसिस की और प्राइसिंग की, जो कि आपके बजट को सूट करे। और अगर आप कोई स्पेयर पार्ट मंगवा लेते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता तो Budmo प्रॉमिस करता है कि 10 दिन में रिटर्न डिलीवरी भी ले लेगा ये। हाँ जी, वॉक अराउंड की शुरुआत हम करते हैं बैक से, बूट सेक्शन से। और स्क्वायर लैंप्स हैं यहाँ पे, अच्छा डिज़ाइन है इनका, बहुत बड़ा क्रोम बार दे रखा है यहाँ पर, ADAS दे रखा है जो कि सेफ्टी इक्विपमेंट और सेफ्टी फीचर्स का एक आपको पहचान बताती है कि इस गाड़ी में ADAS सिस्टम आता है। साथ ही साथ इस साइड पर अगर आप देखेंगे राइट साइड पे, तो यहाँ पे इंटरनेट इनसाइड लिखा हुआ है, बिकॉज दिस ऑफ कोर्स इज अ कनेक्टेड कार एंड MG वर द फर्स्ट वंस टू लॉन्च कनेक्टेड कार्स इन इंडिया, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा ग्लॉस्टर का यहाँ पे बैज है, ताकि आप इस गाड़ी को कन्फ्यूज़ ना करें किसी और गाड़ी से। और नीचे डिज़ाइन के लिए एक दो और राइट साइड भी दो चार आपको एग्जॉस्ट पाइप्स मिलते हैं, ताकि लुक गाड़ी की अच्छी और मस्कुलर रहे। अगर बात करें हम इसके बूट की, तो बूट जब हम खोल के देखते हैं तो बूट भी विथ ऑल दी रोज आप इट्स इलेक्ट्रिक टेलगेट, ऐसे करना नहीं चाहिए क्योंकि ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें कि तीन रोज़ के साथ भी यहाँ पे आप दो बड़े बैग रख सकते हैं और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बैग्स रखने में। अगर आप इन सीट्स को लिटाने को सोचते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे सीट लिटानी है पूरी तरह से, तो भी आप आराम से लिटा सकते हैं। और उसके बाद फ्लैट एकदम यहाँ पे एरिया आ जाता है, यहाँ पे आप बड़े बैग्स रख सकते हैं। और जब लास्ट को लिटा देंगे तो स्पेस के लिहाज से गाड़ी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। लोडिंग सेल भी नहीं है, इसका मतलब कि आप आराम से बैग्स को पुश इन एंड पुश आउट कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एनीवेज, इसे बंद करते हैं और चलते हैं अब साइड की तरफ। बंद करने के लिए यहाँ पे बटन है, जैसे मैंने कहा कि ये एक पावर टेलगेट है, तो आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। साइड की अगर बात करें तो प्रोफाइल के मामले में गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ऊंची गाड़ी है। मेरी हाइट है 5'10" और ये गाड़ी मेरे से करीब करीब 4 या 5 इंच और भी ऊंची है, तो रोड प्रेजेंस के मामले में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। यहाँ पर कॉन्टीनेंटल के टायर लगा रखे हैं MG ने, और बहुत ही वाइड सेक्शन के टायर हैं, 255/R19 के रेम है इस गाड़ी के, जिसका मतलब कि अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से, गाड़ी की जो बॉडी है उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट टायर्स हैं, गाड़ी को वेल बैलेंस्ड लुक देते हैं। साइड की बात करें तो यहाँ पर क्रोम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, अच्छे से यूज़ किया है, ओवरडन नहीं है गाड़ी, सोफिस्टिकेटेड है, मॉडर्न है, लेकिन सबड्यूड लुक्स हैं, ऐसा नहीं है कि इन योर फेस लुक्स हैं। और इतनी बड़ी गाड़ी को जरूरत भी नहीं है इन योर फेस लुक्स देने की, क्योंकि साइज़ इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। क्रोम हैंडल बार्स और साथ ही साथ यहाँ पे एक रनिंग बोर्ड दे रखा है सिल्वर में, क्योंकि ऊंची गाड़ी है तो रनिंग बोर्ड ज़रूरी है, और चढ़ने उतरने में ये मदद करता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके घर में बुजुर्ग माँ बाप है। यहाँ पे ब्रिट डायनामिक दे रखा है और एक ब्रिटेन का झंडा लगा रखा है, ग्रेट ब्रिटेन का। और जो MG ब्रांड है, जो इसकी हेरिटेज, ऑफ कोर्स इट इज़ अ ब्रांड व्हिच वाज बोर्न इन ग्रेट ब्रिटेन, एंड दैट्स व्हाई MG हैज पुट
दिस फ्लैग ओवर हियर टू ऑफ कोर्स टॉक अबाउट इट्स हेरिटेज एंड टेल पीपल वेयर इट्स कम फ्रॉम। और ये अच्छी बात है क्योंकि जहाँ से हम आए हैं उस चीज़ की हमेशा पहचान होनी चाहिए और याद रखना चाहिए कि हम कहाँ से उड़े हैं। अगर फेस की बात करें, फेस तो आप देख ही चुके हैं, क्लोजअप अगर हम इसको दिखाएं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर लैंप्स, फुल LED हैं ये, तो ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए रात में ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं LED फॉग लैंप्स एज वेल, और जो ग्रिल है बहुत बढ़िया, आजकल ये डिज़ाइन एलिमेंट सब गाड़ी में आता है कि ग्रिल बहुत बड़ी होती है, क्रोम लगा रखा है ढेर सारा, जिससे कि गाड़ी की रोड अपीयरेंस बहुत ही आलीशान लगती है। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिज़ाइन, इट्स अ वेल बैलेंस्ड डिज़ाइन, द टायर साइज इज़ गुड, द स्टांस ऑफ द कार इज़ गुड, इट्स अ नाइस एंड स्क्वायर एंड बॉक्सी डिज़ाइन विच इज़ वॉट SUVs आर ऑल अबाउट, स्क्वायर शेप्स, एंड इट्स अ डिज़ाइन विच विल डेफिनेटली टर्न हेड्स आउट देयर ऑन द रोड। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि अंदर से गाड़ी बैठने में और देखने में कैसी है। इस गाड़ी में आपको मिलता है ADAS सिस्टम, यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, और इस गाड़ी में जो सिस्टम है इसमें आपको मिलता है अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, यानी कि ये गाड़ी अपने कैमरा से और सेंसर से आगे देखिए कौन सी गाड़ी है आपके पास जो सामने चल रही है, और उसकी स्पीड अगर तेज़ होती है तो ये भी अपनी स्पीड तेज़ कर लेगी, स्लो होती है तो ये भी अपनी स्पीड स्लो कर लेगी, उसमें आपको ब्रेक पे और किसी चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ एमरजेंसी ब्रेकिंग मिलती है आपको, और उसके साथ ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्टेंस मिलता है जो कि आप पैरेलल पार्क भी कर सकते हैं, और अगर गाड़ी ऐसे लंबी लंबी लगी है लॉन्गिट्यूडनली भी तो भी उनके बीच में ये जगह बना के ढूंढ के लगा देगी अपने आप। साथ ही साथ फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग मिलती है, लेन डिपार्चर वार्निंग मिलती है, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिलता है, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मतलब कि आपके शीशे में अगर कोई गाड़ी दिख नहीं रही है, कई बार हम लोग ऐसे देखते हैं जस्ट टू बी श्योर, ऐसे देखते हैं जस्ट टू बी श्योर जब मोड़ते हैं गाड़ी, तो अगर कोई ये बाइक को या किसी गाड़ी को या किसी भी चीज़ को ये डिटेक्ट करता है अपने शीशे में जो नहीं दिख रही है आपको, तो आपको यहाँ पे वार्निंग मिल जाएगी। तो ये सब फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। साथ ही साथ ऑफकोर्स ऑफ रोडिंग में यहाँ पे बहुत सारे मोड मिलते हैं, सैंड, स्नो, रॉक मोड आपको मिलता है, स्पोर्ट मोड भी अवेलेबल है और इको मोड भी अवेलेबल है। और अगर आप सोच रहे हैं मैंने फ़ोन क्यों पकड़ रखा है ऐसे, वो इसलिए कि बहुत सारे फीचर्स हैं, मुझे लगा कि मैं कोई भूल ना जाऊँ। साथ ही साथ एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जो कि एक लग्जरी टच आपको गाड़ी में देता है, और क्योंकि 4x4 सिस्टम आता है तो इसके अंदर बहुत सारे और भी फंक्शन आते हैं जो कि इसे बनाते हैं काफ़ी अच्छा ऑफ रोडर, जेन्युइन ऑफ रोडिंग कार है, सिर्फ एक लुक्स के हिसाब से ऑफ रोडर नहीं है, जेन्युइन ऑफ रोडिंग कार है और कैपेबिलिटीज़ में है। लेकिन 99% बायर्स इन गाड़ियों को कभी ऑफ रोडिंग में नहीं ले आते, लेकिन आप अगर उस 1% में से हैं जो ले आते हैं तो आपके लिए अच्छी गाड़ी है। अब बात करें अगर हम कुछ लग्जरी फीचर्स की, तो आपको मिलता है बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन यहाँ पर टच स्क्रीन, वन ऑफ द बेस्ट इफ़ नॉट दी बेस्ट सिस्टम है इस सेगमेंट में। साथ ही साथ आपको मिलती हैं यहाँ पे सीट्स जो कि हैं मसाज सीट, इनमें मसाज फंक्शन अवेलेबल है, और ये कोल्ड भी हैं और हीटेड भी हैं, तो अगर आप रहते हैं किसी पहाड़ी इलाके में जहाँ पे हमेशा ठंड रहती है तो आप इन्हें हीट कर सकते हैं, और अगर आप रहते हैं दिल्ली ऐसे एरिया में जहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है तो आप इन्हें कोल्ड कर सकते हैं। ऑटो होल्ड फंक्शन मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है, और जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर एक बहुत अच्छा फंक्शन है कि आप ऑफ रोडिंग करेंगे तो इसमें मोड्स मिलते हैं, बहुत सारे मोड्स हैं, स्नो मोड, मड मोड, सैंड मोड, रॉक मोड अवेलेबल है, ताकि आपको गाड़ी ट्रैक्शन दे सके उस हिसाब से, और पहियों में कोने कोने में जहाँ पे पता चलता है गाड़ी को कि ट्रैक्शन मिस हो रहा है वहाँ पर सही तरह से पावर पहुँच सके। ओवरऑल इतने सारे फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर, क्रूज कंट्रोल है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं, बहुत आलीशान फीचर्स हैं। अगर कोई फीचर मेरे से मिस हो गया हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है इसलिए मैं हो सकता है कोई फीचर भूल भी गया हूँ। आप MG की वेबसाइट पर जाइए, मैं उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ पर जाके आप इसके फीचर्स को देख सकते हैं। अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी के लिहाज से अच्छी है, और ये जो लेदर है ये मैन मेड लेदर है, ताकि मैं आपको सोचा बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं मैं लेदर वाली गाड़ी नहीं चाहिए, तो ये मैन मेड लेदर है और आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलाने में इसमें आपको मिलता है गाना ऐप, इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, साथ ही साथ मैप माई इंडिया के मैप्स मिलते हैं, और जो इसकी स्पीकर्स की क्वालिटी है, जो म्यूज़िक की क्वालिटी है, वो भी आलीशान एक नंबर है। किसी भी चीज़ से गाड़ी पीछे नहीं है, किसी भी लिहाज से गाड़ी पीछे नहीं है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इस गाड़ी के अंदर जो आप कह सकें कि ये फीचर क्यों नहीं है या फीचर होता तो और अच्छा रहता, क्योंकि सब कुछ इसमें आपको मिलता है। MG ऑफकोर्स आई स्मार्ट ऐप भी देता है, और इससे आप वॉइस कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं हेलो MG प्लीज़ ओपन द सनरूफ, और साथ ही साथ एक और है इसके अंदर बहुत अच्छा फीचर, वो है पैल चिप्स बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील, जो कि इसे बनाते हैं एक अच्छी गाड़ी उन लोगों के लिए जो हमेशा थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं अपने ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस पे। क्वालिटी की बात करें तो इट इज़ क्वाइट गुड, और एम्बियंस की बात करें ओवरऑल तो एक बहुत ही लग्जूरियस और ऑपुलेंट और महंगी गाड़ी का एम्बियंस इस गाड़ी के अंदर है। आप जब इस गाड़ी पर पैसा लगाएंगे तो आप कोई पछताएंगे नहीं, आप हमेशा कहेंगे नहीं मैंने सही गाड़ी पर पैसा लगाया, क्योंकि इसके अंदर जो एम्बियंस है और जो ओवरऑल फील एंड फील गुड फैक्टर है वो बहुत ही बेहतरीन है। अब चलते हैं पीछे की सीट्स पर, देखते हैं उनमें है कितना दम।
हाँ जी, मैं आ चुका हूँ अब ग्लॉस्टर के कैबिन के सेकंड रो ऑफ सीट्स में। और अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस की कोई कमी नहीं, इतनी बड़ी एसयूवी है तो स्पेस की कमी होनी भी नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फ्लैट यहाँ पे फ्लोर बोर्ड मिलता है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप पैर फैला के बैठना चाहते हैं आराम से बैठ सकते हैं। आपके अपने यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं एसी के लिए, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इन बटन्स की। जो सीट्स हैं अपने आप में काफ़ी आरामदायक है, कैप्टन सीट्स हैं। सपोर्ट फॉर अंडर थाइज़ इज़ गुड, सपोर्ट फॉर लोअर बैक इज़ गुड, और आप इन सीट्स को आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा लेट लेट के जाना है, अगर आपको बहुत दूर तक जाना है गाड़ी में, और अपने ड्राइवर को बोलना है जीते दाब दे गड्डी नू शामी दा डिना चंडीगढ़ वाली मासी दे नाल है, ऐसे करके आपको कुछ बात करनी है, आराम से लेटना है, आप आराम से सीट बेल्ट बांध के यहाँ पर सोते हुए जा सकते हैं। बिजनेस क्लास की सीट्स जैसी होती हैं हवाई जहाज़ में, बिल्कुल वैसी सीट्स हैं कम्फर्ट के लिहाज से, तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है। उस लिहाज से भी शीशे बहुत बड़े हैं, यानी कि कभी भी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। पैनोरामिक सनरूफ है जो पीछे तक आता है, जिससे कि आपको हमेशा खुला खुला लगेगा गाड़ी में। और ओवरऑल क्वालिटी के मामले में गाड़ी अच्छी है, प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े डोबिन मिलते हैं जिनमें आप बॉटल्स रख सकते हैं। और बीच की जो सीट है इसमें भी आपको दो छोटे से ग्लास होल्डर मिलते हैं, जहाँ पर आप पानी की बॉटल या जो भी आप रखना चाहें। हाईवे से अगर आप रुक के कुछ पीते हैं, ख़रीदते हैं, जैसे कि डाइट कोक या डाइट पेप्सी, वो भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। ओवरऑल अ वेरी इंप्रेसिव प्लेस इन द सेकंड ऑफ सीट्स, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस गाड़ी में बैठ के, क्योंकि बहुत ही लग्जरियस फील है गाड़ी का। और मैं दूंगा इसके कैबिन को, बैक रो को भी 10 में से 10 का स्कोर। हाँ जी, तो आमतौर पे जो आखिरी रो होती है किसी भी एसयूवी की या एमपीवी की, वो होती है बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए हाइट थोड़ी कम हो, क्योंकि इसमें स्पेस कम होता है, सीट भी थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं, और ऐसा लगता है कि आपके घुटने आपके कानों के पास हैं। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत ग्लॉस्टर में नहीं आएगी। जैसा आप देख सकते हैं मेरी हाइट है 5'10", और मेरे लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह है। जो ये सीट है हमने हिलाई नहीं अपनी पोजिशन जैसे पहले थी, ये लगभग उसी पोजिशन पर है, तो स्पेस के लिहाज से काफ़ी जगह है। थोड़ा पीछे और आ सकती है ये, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन तब भी स्पेस अच्छा है, हेडरूम भी अच्छा है, बड़े शीशे हैं पीछे, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। एसी वेंट्स मिलते हैं तो हवा भी आप तक पहुंचेगी आराम से, और यहाँ पे आपको वाटर बॉटल होल्डर दोनों तरफ मिले हैं। सीट्स अपने आप में काफ़ी कंफर्टेबल हैं, लंबे डिस्टेंस की जर्नी पे भी अगर आपको जाना हो और आपको लास्ट रूम बैठने के लिए कोई बोल दे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल एंड वेरी इंप्रेसिव प्लेस, कुशनिंग के लिहाज से, कम्फर्ट के लिहाज से, एम्बियंस के लिहाज से, और स्पेस के लिहाज से 10 में से 10, इवन टू द लास्ट रो ऑफ द एमजी ग्लॉस्टर। I am very impressed with the overall cabin of this car. हाँ जी, तो हमने देखा कि MG की ग्लॉस्टर है देखने में अच्छी, हमने देखा कि ये है फीचर्स के मामले में अच्छी और बैठने में अच्छी है, लेकिन चलाने के लिहाज से गाड़ी कैसी है ये बड़ा सवाल है। और मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, और वो खबर ये है कि ये चलाने में भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है। सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है इस गाड़ी में अपनी सेगमेंट में, 2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन है, ट्विन टर्बो है, और इससे पावर ज़्यादा मिलती है। 218 BHP का इंजन है, 480 NM ऑफ टॉर्क बनाता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, एंडेवर से भी ज़्यादा पावरफुल है और फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा पावरफुल है। और इस गाड़ी की जो अच्छी बात है वो ये है कि ये आता है 8 स्पीड के गेयरबॉक्स के साथ, ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ आती है गाड़ी, और उससे क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी इंजन की काफ़ी एनहेंस हो जाती है, काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। जब हाईवे पर आप इस गाड़ी को लेकर निकलेंगे तो ये स्पीड्स कर रही होगी करीब 100-110 की, और ऐसा लगेगा कि आप 60-70 पे चल रहे हैं, और क्योंकि इंजन की आवाज़ अंदर नहीं आती है, ऐसा लगता है कि दूर कोई बातचीत कर रहा है, हल्का फुल्का एक मर्मर सा होता है, हल्की फुल्की ऐसा लगता है कोई कानाफूसी कर रहा है, इतना शांत इंजन है। अगर बात करें गेयरबॉक्स की तो गेयरबॉक्स काफ़ी क्विक विटेड गेयरबॉक्स है, जल्दी जल्दी गैस चेंज होते हैं ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। और अगर आप चाहें कि इसे ऑटोमेटिक मोड में नहीं यूज़ करना, मैनुअल मोड में यूज़ करना है, तो आपको पैल शिफ्टर्स मिलते हैं स्टेयरिंग के पीछे, और काफ़ी क्विक रिस्पॉन्डिंग गेयरबॉक्स भी है ये, मिली सेकेंड्स लगते हैं ऐसे जब बटन ऐसे खींचेंगे या पैल खींचेंगे और जब गियर एक्चुअली चेंज होगा, तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है, ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है। एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी की वो है इसका राइड कंफर्ट। राइड के मामले में सारे के सारे गड्ढों को, पैचवर्क रोड्स को, रमल स्ट्रिप्स को, क्रेविसेस को अपने अंदर ही एडजस्ट कर लेती है, अपने अंदर रिजॉल्व कर लेती है, और सिर्फ बहुत ज़्यादा जो शार्प क्रेविसेस होते हैं, जो बहुत ही बदतमीज़ तरीके से गड्ढे बनाए हुए होते हैं, वो ही इस गाड़ी के अंदर एंटर करेंगे, और वो भी इतना ज़्यादा एंटर नहीं करेंगे कि आप एकदम हिल जाएं या आप अनकंफर्टेबल हैं, हल्का फुल्का आपको हल्का झटका महसूस होगा स्लो सिटी स्पीड पर। फास्ट स्पीड पर तो ये बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है। अगर हम बात करें इसके सस्पेंशन सेटअप की, तो थोड़ा सा सॉफ्टिश साइड पे है ये, तो जब इस गाड़ी को आप लेके ऐसे मोड़ेंगे हाई स्पीड कॉर्नर्स में, तो थोड़ा सा बॉडी रोल रहेगा गाड़ी में, ऐसा नहीं कि बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दैट्स क्वाइट ओके बिकॉज इट्स अ हैवी एंड बिग एंड बल्की एसयूवी, तो बॉडी रोल होना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि फिजिक्स के रूल ही सारे गलत हैं। तो फिजिक्स के रूल के हिसाब से बॉडी रोल है और होना भी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ बिग एंड बल्की एसयूवी।
अब इस गाड़ी के अंदर आपको 4x4 सिस्टम भी मिलता है, यानी कि आप इसे एक्चुअली ऑफ रोडिंग पे ले जा सकते हैं। हिल डिसेंट असिस्ट भी मिलता है और काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं जिससे कि आप इसे एक प्रॉपर 4x4 ट्रैक पर ले जा सकते हैं। लेकिन मैं इसको 4x4 करने नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि 99% बायर्स जो इन गाड़ियों को खरीदते हैं, जो SUVs को खरीदते हैं, वो खरीदते हैं इनको इमेज की वजह से, इनके लुक्स की वजह से, इनकी ओवरऑल पावर की वजह से और इनकी कंफर्ट की वजह से। तो 4x4 बहुत रेयरली करते हैं वो बायर्स, और मैं भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं भी उन्हीं बायर्स के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, उन्हीं बायर्स के हिसाब से भी मैं सोच रहा हूँ। एक बात जो इस गाड़ी की बहुत अच्छी है वो ये है, क्योंकि आवाज़ इंजन से ज़्यादा नहीं आती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंजन की अच्छी है, तो ये गाड़ी अपनी स्पीड्स को बहुत अच्छे से ढांप लेती है, मास्क कर लेती है। जब ये स्पीड करेगी 100 की 110 की, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 60-70 की स्पीड पर ही चल रहे हैं। तो आपको एक आँख अपनी इधर स्पीडोमीटर में ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले कि आपको पता ना चले आपका चलान कट जाए हाईवे पर, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप अपनी आँख को इधर रखें और देखते रहें स्पीड क्या करेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा अपनी स्पीड्स को बहुत बेहतरीन तरीके से ढांप लेती है। ओवरऑल MG Gloster एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और मुझे इस गाड़ी को चला के दिन भर बहुत मज़ा आया। कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग कार है, कंफर्टेबल कार है, रिफाइंड कार है, और पावर के मामले में भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है। मेरी तरफ से ड्राइविंग डिपार्टमेंट में इस गाड़ी को डबल थम्स अप एंड डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर पैकेजेस आउट देयर इन द ड्राइविंग डिपार्टमेंट। ओवरऑल MG Gloster है अपनी सेगमेंट में सबसे बेहतरीन गाड़ी, स्पेस के मामले में, लग्जरी के मामले में और फीचर्स एंड सेफ्टी किट के मामले में। इनफैक्ट इस गाड़ी का कोई मेन राइवल नहीं है, क्योंकि उन सब गाड़ियों से जो बाकी इसकी प्राइस रेंज में है उससे बड़ी भी है और बेहतरीन भी है स्पेस एंड कम्फर्ट के लिहाज से। तो दिस कार रियली इज़ इन अ लीग ऑफ इट्स ओन, और MG ने बहुत ही बड़ा सिक्स मार दिया है इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट पर। अगर आप मार्केट में हैं एक लग्जरी SUV लेने के लिए और आपका बजट है करीब 30-40-45 लाख के आसपास का, then definitely this is the best product out there, और आपको इस गाड़ी को एक बार चलाकर ज़रूर देखना चाहिए। एंड यू शुड रियली गो एंड टेक अ टेस्ट ड्राइव एट द नियरेस्ट MG डीलरशिप नियर योर होम। इट्स बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इससे पहले मैं भूलूँ स्कोरिंग, मैं इस गाड़ी को दूंगा स्कोर 92 का 100 में से। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रोडक्ट है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो प्लीज़ डोंट लीव विदाउट सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन टू रिसीव ऑल नोटिफिकेशंस फर्स्ट। और अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा तब भी प्लीज़ एक लाइक छोड़ जाना, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे वीडियोस साथ साथ बना सकें। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।